एड्रेस नहीं करूंगा, सीधे समय कम है तो मैं कुछ बातें ज़्यादा नहीं, एक दो पॉइंट्स में मैं बात करूंगा। आप लोगों ने 7 तारीख को जो एनपीपी का यहाँ पे मीटिंग हुआ हमारे बगल में ही, मैंने भी उन लोगों का वक्ता सुना। मैं कुछ जवाब देना चाहता हूँ उन लोगों को। जवाब ये है, एनपीपी के अध्यक्ष उन्होंने एक इल्जाम लगाया सीनियर लोगों के ऊपर, हम लोगों के ऊपर, कि हम एक मिठी फैमिली को खत्म करने के लिए हम ये चुनाव में हमने योजना बनाई है। ये बिल्कुल गलत है। ये हमने चुनाव लड़ रहे हैं मुद्दों के ऊपर, हम चुनाव लड़ रहे हैं मुद्दों के ऊपर, हम चुनाव लड़ रहे हैं कौन पार्टी सही है, कौन इस देश को आगे बढ़ा सकता है, कौन इस एरिया के लिए काम कर सकता है और कौन उम्मीदवार सही है, उस बात को लेकर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। किसी फैमिली को खत्म करने के लिए हम ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हमारा अधिकार है 5 साल बाद हम किसको वोट दें। उनका दूसरा आरोप था कि यहाँ का जितने सीनियर लोग करोड़ करोड़ कमा के चले गए। अब मैं इस बाजार में पैदा हुआ हूँ, आज ये नेशनल हाईवे है, वहाँ पे क्रिकेट खेला करता था, फुटबॉल खेला करता था। मेरा घर देखिए आपके सामने में है, हर कोई बाजार वाला जानता है मैंने कितने करोड़ों का वहां में बिल्डिंग खड़ा करके रखा है। आप लोग हैं उन्नीस तारीख के आदमी, आपके नेतृत्व में हम रहा है, आप वहां के अंचल चेयरमैन रहे हैं, जितने हम रहे हैं। आप लोगों ने क्या किया, वहां पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, वो सारा सड़क बिजली का पैसा आज यहां में आरसीसी बिल्डिंग में बदल चुका है, स्कॉर्पियो में बदल चुका है। कौन कौन था नेतृत्व में, हम थे या वो थे? वो लोग थे नेतृत्व में, हम नहीं थे। और इल्जाम हमारे ऊपर डालेंगे आप, वैशाली कुंडली का हालत एफपीएस की बहुत बातें करते हैं, सड़क नहीं है, कुंडली तक जाती है, वहां से दोनली तालोनी कुंडली वैशाली सारे लोग चावल लेने के लिए वहां जाना पड़ता है। क्यों, सड़क का जितना पैसा मिला करोड़ करोड़ करोड़, वो सारे हजम हो गए। वो बॉर्डर एरिया होने के वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट डीएडीपी का अंडर में जितनी फंड देती है उन लोगों ने हजम कर लिया, यहां में खेत खरीद लिए, घर बना लिए, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। और हमें, हम सीनियरों को इल्जाम लगाते हैं कि हम करोड़ करोड़ लेके चल दिए, कहां में करोड़ लिए दिखाइए। दूसरी बात है, मैं बाजार वालों को रोइंग वासियों से एक बात पूछना चाहूंगा, एनएसपीसी का क्यों डिले हुआ, इसको रोक के किसने रखा इतना सालों तक, 18-19 साल तक, जो कि 10-15 साल पहले बन जाना चाहिए था, ये उन्हीं लोगों ने रोक के रखा है। क्यों रोक के रखा है, ताकि यहां का इकोनॉमी ना बढ़े, लोगों के पास पैसा ना हो और वो स्लेवरी गुलाम की तरह, गुलामी की तरह मेरे ही पास आए, मुझसे ही कुछ मांगे, कॉलेज में भेजना हो किसी बच्चे को तो मेरे पास आए, मेडिकल में जाना हो तो मेरे पास आए। उन लोगों को उसी स्तर में रखना है, ये उन लोगों का ही नीति है। आज भाजपा सरकार केंद्र में है, राज्य में भी भाजपा की सरकार है। मैं आपको वचन देता हूं, मेरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है, एनएसपीसी भी होके रहेगा। जब एनएसपीसी हो जाएगा कितने एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा,
टैक्सी चलेगी, दुकानें चलेगी, लोगों को काम मिलेगा, लेकिन उन लोगों के पास वो सोचने का इरादा नहीं है, वो सोच नहीं है उन लोगों में। उन लोग जो ब्रिटिश ने काम करके इतने साल चलाया, वही दमन वो लोग करके रखा हुआ है। उस दमन से, उससे हम लोग को निकलना है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आप लोग जैसे ये लोग बहुत ही कंफ्यूज है, मैंने उन लोगों का वक्ता सुना। कोई वक्ता कह रहा है कि हम बीजेपी के साथ में हैं, कोई वक्ता कह रहा है कि हमारे नेताओं को चोर बता रहे हैं। टोटली वो लोग कंफ्यूज हैं, उन लोगों के पास कोई आगे बढ़ने के नीति ही नहीं है। इसलिए रोइंग वासियों, आप लोग से मैं निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा, आप लोग ये अच्छा वक्त है, अच्छा दिन है, आप लोग सब मिलके भाजपा को वोट दे। कपीर गांव जी हमारे सांसद कैद है, लता अम्बेर जी हमारे विधान के लिए कैंडिडेट हैं, आप लोग सब मिलके बिना डर के, बिना भय के, जैसे एक सिपाही सीमा पर सीना ताने खड़ा रहता है, बिना डर के, बिना भय के और बिना लालच के, सब एकजुट होके भाजपा को वोट दीजिए। हम वादा करते हैं, आश्वासन देते हैं, यहां कोई माई का लाल कुछ नहीं गाड़ सकता। उनका गीदर भक्की, उनकी गीदर भक्की से हम डरने वाले नहीं है, हिलने वाले नहीं है। जय हिंद।